બોર્ડની પરીક્ષા આપવા જઈ રહેલા વિદ્યાર્થીને અકસ્માત નડતા રાઇટરની મદદથી પેપર આપ્યા બાદ સિવિલમાં સારવાર કરાવી। સોમવારથી બોર્ડની પરીક્ષાઓ શરૂ થઈ છે। બોર્ડની પરીક્ષા આપવા જતા મૂળ રાજસ્થાનનો અને હાલ પુણા ગામ ખાતે સીતાનગરમાં રહેતા ગોવિંદરામ પ્રજાપતિનો પુત્ર અનિલ પ્રજાપતિનો અકસ્માત નડ્યો, જેથી વિદ્યાર્થી અનિલને રાઇટરની મદદથી આપ્યું પ્રથમ પેપર। વિદ્યાર્થી પેપર આપ્યા બાદ સારવાર માટે નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં પહોંચ્યો હતો। અકસ્માતમાં વિદ્યાર્થી જે હાથે પરીક્ષા લખવાનો હતો એ જ હાથમાં ફ્રેક્ચર થયું છે। પરીક્ષાર્થીનું પહેલું પેપર પૂર્ણ થયા બાદ વિદ્યાર્થી સારવાર માટે સિવિલ હોસ્પિટલમાં આવ્યો હતો। વિદ્યાર્થીના હાથમાં ફ્રેક્ચર હોવાનું સામે આવતા તમામ પેપર રાઇટરની મદદથી આપશે। मेरा नाम अनिल प्रजापति है, मैं कक्षा 10th में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम प्रकाश विद्यालय है और मेरे प्रिंसिपल सर का नितिन सर नाम है। मैं आज मेरा बोर्ड का पेपर था तो इसमें मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरा बोर्ड का पेपर समर्पण स्कूल में लगा था, तो मैंने पहले हॉस्पिटल नहीं गया। मैंने पहले बोर्ड की परीक्षा को ज़्यादा महत्व दिया, मेरा भविष्य का सवाल था, इसलिए आज मेरा हिंदी का पेपर था और मेरे को वहाँ पर स्कूल के द्वारा हेल्पर भी मिले। और कहाँ से आप जा रहे थे, किस तरह से एक्सीडेंट हो गया था, कहाँ चोट लगी थी? मेरा अचानक स्कूल के सामने से मैं आ रहा था तो वहाँ पे बाइक सामने से आई और वहाँ मेरा एक्सीडेंट हो गया। कहाँ पे चोट लगी और किस तरह से परीक्षा दी है? मैं साइकिल मेरे राइट हैंड से मैं लिखता हूँ तो इसमें फ्रैक्चर आया हुआ है। अभी कहाँ पे आए हो, डॉक्टर ने क्या बताया? अभी डॉक्टर ने बताया कि सिविल हॉस्पिटल में आए हुए हैं, डॉक्टर ने कहा कि आप लिख नहीं सकते। आगे की परीक्षा कैसे होगी? वो रिपीटर एग्जाम में या ऐसा कुछ करेंगे, राइटर की हेल्प से। ब्यूरो रिपोर्ट, S9 न्यूज, सूरत। हमारी तमाम माहिती थी अपडेट रहवा माटे जोड़ायेला रहो S9 न्यूज साथे।